नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। जालौन में सरकारी स्कूल की शिक्षिकाओं का कारनामा सामने आया है, जहां स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ने वाली एक मासूम छात्रा को टीचर्स ने महज इसलिए पीट दिया क्योंकि वो ST समुदाय की थी, जिसके बाद रोते हुए घर पहुंची छात्रा ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई। पीड़ित छात्रा के पिता ने मामले की शिकायत एसटीएम से की है। मामला कोंच तहसील क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय क्लोरिया का बताया जा रहा है। पर तो मैं ना सो वहां मारती है। हां, अच्छा, क्या चोट मानती है? कितनी दूर रहो हमसे, तुम बेहतर हो। अच्छा, नहीं तो सरकार तो बड़े वादे करती है कि जो चोट नहीं, फिर आपको किस तरह क्यों करती है टॉर्चर? पढ़ाने क्लास में कोई नहीं आता, सो एक मैम है, ये दूसरी तो पढ़ाती है। आपने कहा तो क्या कहती है वो? आपने कभी कहा है कि मैडम हम लोग को भी पढ़ते, क्या कहती है वो? अच्छा, मेरे यहाँ पर सुबह छूट मानते हैं, लेकिन मार पीट लिखते हैं, कहते हैं बेहतर हो तुम, दूर रहो तो मार पीट लिखते हैं बच्चे। कौन लोग मारते हैं? कहाँ पर? प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, विद्यालय में आपके नहीं तो योगी सरकार के द्वारा तो ये इस तरीके से छुआछूत को लेकर कई तरीके वो ये लोग कर रहे हैं सर। हमने UBG सर को भी दे दी और जिला पंचायत ये हैं जिला जिनको भी दे दिए, 4-5 थाने भी दे दिए, मैंने सब जगह डाल पोस्ट कर दिए। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में 2 महिलाओं के गुट आपस में भिड़ गए और काफी देर तक मारपीट हंगामा होता रहा। मामले की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने दोनों पक्षों का मामला शांत कराया। मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रेलवेगंज में चौकी के पास महिलाओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। दोनों में काफी देर तक मारपीट होती रही। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचे, किसी तरह से मामले को शांत कराया है। एक वीडियो संज्ञान में आया है, जो जानकारी के लिए तो यह पाया गया कि थाना कोतवाली का रेलवेगंज चौकी पड़ती है, जहां पर ये 2 महिलाएं आपस में वाद विवाद में मारपीट करते हुए दिखाई दे रही हैं। उपरोक्त मामले में थाना कोतवाली को निर्देशित किया गया है, जिसमें जांच कर विधिक कार्रवाई करें। जालौन में उरई भाजपा विधायक ने अपनी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। DGMI के एडिशन डायरेक्टर और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उरई के भाजपा विधायक गौरीशंकर बोले कि राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के प्रधानाचार्य RK मौर्य भ्रष्टाचार में डूबे हैं। मेडिकल कॉलेज में मरीजों को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, इलाज कराने वाली मरीजों से अभद्रता की जाती है, मशीनें होने के बावजूद भी मरीजों को जांच के लिए बाहर भेज दिया जाता है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रई में ना रहकर कानपुर में अपना निजी नर्सिंग होम चला रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो रही है। 13 जुलाई को प्रांकलन समिति की बैठक में विधायक ने शिकायत की थी। 24 जुलाई को जांच करने पहुंचे DGMI के एडिशनल डायरेक्टर मुकेश यादव। जांच के दौरान एडिशनल डायरेक्टर ने विधायक पर तंज कस दिया। जनप्रतिनिधि वोट पाने के लिए शिकायत करते हैं। एडिशनल डायरेक्टर के इस बयान पर भाजपा विधायक बोले कि मुख्यमंत्री से मिलकर मेडिकल कॉलेज की शिकायत करेंगे, जनता ने चुनकर भेजा है, इसलिए जनता के मुद्दे उठाएंगे। मैंने उसमें ये लिखा था कि चूंकि राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के जो नए नियुक्त प्रधानाचार्य जी आए हैं, वो स्वयं यहाँ नियमित रूप से नहीं रहते हैं और उनका स्वराज नर्सिंग होम नाम का काकादेव में एक नर्सिंग होम चल रहा है। 1 या 2 दिन यहाँ रुकते हैं, बकाया सारा समय अपने उस नर्सिंग होम में देते हैं। मैंने ये भी कहा था कि उन सब प्रोफेसरों की प्रधानाचार्य सहित सबकी लोकेशन ट्रेस की जाए, जिससे ये जांच में साबित हो जाए कि ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं और कहाँ कहाँ अपना काम नर्सिंग होम चलाने का करते हैं। अलीगढ़ में हिंदू युवक की पिटाई के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र हिंदूवादी छात्र आमने सामने आ गए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आरोपी छात्र को पकड़वाने जा रहे हिंदूवादी छात्र नेता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हिंदूवादी छात्राओं के साथ जमकर नारेबाजी कर दी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने RSS मुर्दाबाद के नारे जमकर लगाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अल्लाह अकबर और नारे तकबीर के लगाए हैं। अलीगढ़ पुलिस प्रशासन का बड़ा फेलियर यहां नजर आता है। पुलिस के सामने हिंदूवादी छात्र नेता बाबे सैयद गेट की ओर पहुंचे। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के MU सर्किल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर एक कोई फरहान जुवेरी नाम का व्यक्ति है, जो पूर्व में ही छात्राओं को पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी दे चुका है। उसके द्वारा एक हिंदू युवक को अपने बाहरी गुर्गों के द्वारा अपने हॉस्टल में, MU के अंदर हॉस्टल में बुलाकर उसके साथ मारपीट की है, अभद्रता की गई है।
और उसे बुरी तरीके से बेल्टों से पीटा गया है, उसके नाक को जूतों से रगड़वाया गया है। उस पर कार्रवाई के लिए आज हम लोग यहाँ सिविल लाइन थाने पे आए थे। आप किस तरीके क्या मामला? देखिए अलीगढ़, देखिए एक कुछ दिन पहले एक हिंदू युवक के साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र फरहान जुबैरी अन्य अज्ञात लोग कैंपस से बाहर से उठा करके एएमयू के जो है सुलेमान हॉल में उसे डाल दिया गया, मारपीट की गई, उसका वीडियो बनाया गया। कोई कार्रवाई नहीं होने पर ऐसे व्यक्ति जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, 10 महीने सीएनआरसी के दंगों के दौरान जेल काट करके आया। गोरखपुर के बरहलगंज थाना क्षेत्र के रुदौली गांव में 24 तारीख को रात करीब 9 बजे के आसपास कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर बर्थडे पार्टी मना रहे थे और उसमें अश्लील गाने भी बजा रहे थे। इस दौरान गांव के एक युवक ने उन लोगों को अश्लील गाने बजाने से मना कर दिया। इसके बाद वहां विवाद हो गया। किसी तरह मौके पर पहुंचे संभ्रांत लोगों और ग्राम प्रधान द्वारा लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया, तब जाकर ये मामला शांत हुआ। लेकिन अगले दिन 25 तारीख की सुबह सुनील यादव अपने कुछ साथियों के साथ गांव में पहुंचा और लोगों से पूछताछ करने लगे कि कल किन लोगों ने हमारे लोगों से विवाद किया था। जब मौजूदा लोगों ने कोई जानकारी नहीं दी तो ये आग बबूला हो गया। लोगों को गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। इस दौरान बीच पेचाव करने आए 40 वर्षीय राजकुमार को गोली लग गई, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। लोगों द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और अभी फिलहाल कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कत्ल तमंचा कारतूस भी बरामद कर लिया है। ये सब एक ही परिवार के हैं, आपस में रिश्तेदार हैं। इनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आकर के वहाँ पर इस घटना को पारित किया गया। इस घटना में कुछ और भी लोगों को नामजद किया गया है। घटना के मौके से सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। इसी आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी और अरेस्ट करके इनको जेल भेजा जा रहा है। चार्जशीट लगाने के बाद इनके ऊपर गैंगस्टर और अन्य सख्त धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महाराजगंज में नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूब गए, चीख पुकार मच गए। गहरे पानी की तरफ बहाव में बहने लगे 3 बच्चे। किसी तरह 2 बच्चों को नदी से बाहर निकाला गया लेकिन 3 बच्चा डूब गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से गायब बालक का रेस्क्यू किया गया है। हालत नाजुक देख अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक लड़की की पहचान विनय पुत्र मनोज नौंदवा के सरोजनी नगर निवासी के रूप में हुई है। नौंदवा थाना क्षेत्र के दुमुना नदी का ये पूरा मामला है। बदायूं में एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति विनीता और धारा को जान से मारने की साजिश रच रहा है। ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि वो कह रहा है कि पहले तो औरतों को मरवाओ, इसके बाद गाली गलौज कर रहा है। घटना होने से पहले इसकी जांच कर कार्रवाई बेहद जरूरी है, जिससे किसी की जान बच सके। ये ऑडियो बदायूं सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम मुजाहिदपुर का बताया जा रहा है। पीलीभीत में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने 7 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के पदाधिकारी ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अधिकारी को सौंपा है। कहा कि आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, उनसे जंगल जमीन छीन ली जा रही है, जल छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में विकास के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। पदाधिकारी ने आदिवासियों के लिए कानून लागू करने की मांग की है। साथ ही कहा कि मणिपुर में एससी और एसटी के लोगों को सरकार लड़ाकर उनकी जंगल जल जमीन पर कब्जा करना चाह रही है। कहा कि मणिपुर में जो भी कुछ हो रहा है उसके केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जल जंगल जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, उसके विरोध में हम भारत बंद करेंगे और आदिवासियों का संविधान का जो 5वीं और 6वीं सूची जो कॉलम है उसको सरकार लागू करे, और लागू नहीं कर रही है उसके विरोध में हम पूरे देश भर में इसका 563 जिलों में 31 राज्यों में जो हम धरना प्रदर्शन विरोध करेंगे और 7 अगस्त को भारत बंद करेंगे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट में चल रही याचिका में हाईकोर्ट द्वारा 3 अगस्त तक सर्वे पर रोक बरकरार रखते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इस फैसले की जानकारी होने पर वाराणसी की जिला अदालत में मुकदमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुदीप त्रिपाठी का कहना है कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा अनर्गल तर्क रखकर न्यायालय का समय गुमराह किया जा रहा है और हम लोगों को उम्मीद है कि 3 अगस्त को हम लोगों के पक्ष में ही फैसला आएगा और सर्वे का कार्य शुरू होगा। वादवादिनी का कहना है कि हम लोगों के पास पर्याप्त सबूत है, इसलिए माना जा सकता है कि 3 अगस्त को माननीय न्यायालय वादी पक्ष के हित में फैसला सुनाएगा और ज्ञानवापी का सच सर्वे के माध्यम से आएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इस बार हुई भारी बारिश के वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरिद्वार के लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई मंत्रियों द्वारा क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया, मगर विपक्ष सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर सवाल खड़े कर रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा 11 सदस्य अनुशासन समिति का गठन किया गया, जो सरकार द्वारा दी जा रही राहत का आंकलन कर लोगों को होने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करेगी। जब हरिद्वार में बाढ़ की विभीषिका आई थी
तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को निर्देशित करके स्थल निरीक्षण करने के लिए भेजा था। आदरणीय रावत जी खुद स्थल निरीक्षण के लिए आए थे। इसके बाद पार्टी ने एक निर्णय लिया, क्योंकि लगभग लगभग हरिद्वार जनपद के सभी पूरा ही क्षेत्र इससे प्रभावित है, तो एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है। प्रशिक्षु आईपीएस और रायवाला थाना अध्यक्ष जितेंद्र मेहरा के नेतृत्व में गठित टीम ने चेकिंग के दौरान एक लूटर वाहन से 98 पेटी शराब पकड़ी है। शराब तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने वाहन के ड्राइवर प्रवीण कुमार को गिरफ्तार कर लिया। प्रवीण कुमार ने पुलिस को बताया कि शराब वो सरकारी गोदाम से लेकर आए हैं। शराब रायवाला स्थित वाइन शॉप पर पहुंचनी थी, लेकिन खपत कम होने की वजह से शराब की खेप वाइन शॉप पर ना देकर श्यामपुर में रहने वाले धनपाल नेगी के यहाँ पहुंचाने के लिए कहा गया। प्रशिक्षु आईपीएस जितेंद्र मेहरा ने बताया कि पूछताछ के आधार पर धनपाल नेगी के श्यामपुर स्थित निर्माणाधीन मकान पर भी छापेमारी की गई है। इस दौरान मकान के गोदाम से 2 पेटी शराब पुलिस को बरामद हुई। पुलिस ने प्रवीण कुमार के साथ धनपाल नेगी के खिलाफ शराब तस्करी करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लूटर वाहनों को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया। किसके कहने पर शराब धनपाल नेगी के यहाँ पहुंचाई जा रही थी, इसकी भी जांच की जा रही है। द्वार के जिला आबकारी अधिकारी प्रभाष शंकर मिश्रा लगातार ही अवैध कच्ची शराब बनाने वालों पर कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी प्रभाष शंकर मिश्रा के दिशा निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम लगातार कच्ची शराब पर कार्रवाई करती नजर आ रही है, तो वही कच्ची शराब को बनाने वाले लहन को भी नष्ट किया जा रहा है। हो रही लगातार छापेमारी के दौरान ग्राम सहदेवापुरा थाना पथरी जनपद हरिद्वार में 400 लीटर कच्ची शराब और 3000 लीटर लहन को नष्ट किया गया है, जिसमें आबकारी विभाग की टीम लहन नष्ट करते देखी जा सकती है। सादेपुर में ही नहीं है, उसके निकट नस्तरपुर में, पीतपुर में लगातार 3-4 दिनों से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जिसमें हमने परसों पीतपुर में और नस्तरपुर में भट्टियाँ नष्ट की हैं, कल और परसों सादेपुर में, जिसमें 3-4 हज़ार क्विंटल लहन नष्ट किया गया है और 40 लीटर एक कच्ची शराब पकड़ी गई, 20 लीटर एक और एक जगह फिर और शराब भारी मात्रा में पकड़ी गई। इस तरह से लगातार इस क्षेत्र में जो पथरी नाले के क्षेत्र में जो गाँव हैं सादेपुर पीतपुर डेरा कलाल और से लेकर वहाँ पर फूलगढ़ पथरी और सुभाषगढ़ तक। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के तीनों पुरोहितों ने केदारनाथ मंदिर के शिखर से ज्यादा ऊंचाई के बन रहे भवनों का विरोध जताया है। टिट पुरोहितों का कहना है कि धाम में मंदिर के शिखर से ऊपर कोई भी भवन नहीं बनना चाहिए। आज तक धाम में कोई भवन ऐसा नहीं बना है जो मंदिर के शिखर से ज्यादा ऊंचा हो। टिट पुरोहितों ने शीघ्र ही ऐसी भवनों को कार्य रोकने की मांग की है और कार्य न रोकने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। 16 से 17 जून 2023 की आपदा में केदारनाथ मंदिर को छोड़कर धाम में स्थित घर दुकान लॉन्च सब तबाह हो गए थे। आपदा के बाद से धाम में पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुए। बाद में मंदिर के आगे में पैदल रास्ते बनाए गए, सभी घरों को ध्वस्त किया गया। घरों को ध्वस्त करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि भक्तों को दूर से ही मंदिर के दर्शन हो जाए। अब धाम में द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन कार्यों के तहत तीर्थ पुरोहितों के लिए घर, चिकित्सालय, प्रशासनिक भवन सभी का काम चल रहा है। ऐसे में तीर्थ पुरोहित आरोप लगा रहे हैं कि कई भवन मंदिर के शिखर से ऊंचे निर्मित किए जा रहे हैं। 3 मंजिला भवनों की ऊंचाई मंदिर के शिखर से ऊपर जा रही है। आज तक मंदिर के शिखर से ऊंचे कोई भी भवन केदारनाथ में नहीं बने हैं। आपदा से पहले भी केदारनाथ धाम में स्थित सभी घर शिखर से नीचे थे। अगर मंदिर के शिखर से ऊंचे भवन केदारनाथ में बनाए जाते हैं तो इनका विरोध किया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। केदारनाथ धाम के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित उमेश चंद पोष्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी को अवगत कराने के बाद भी मंदिर के ठीक सामने एक 3 मंजिला इमारत बन रही है। ये इमारत मंदिर के शिखर से ऊपर जा रही है। उनका कहना है कि मंदिर से ऊंची बन रही इमारतों के कार्य पर रोक लगा दी जाए। संभल जिले में अवैध वसूली से जुड़ा मामला सामने आया है। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में सेंध लगाई गई है। मुफ्त मोबाइल और सिलाई मशीन किट के नाम पर लोगों से 1 से 3 हज़ार रुपए वसूले जा रहे हैं। अवैध वसूली करते लोग कैमरे में कैद हुए, जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं संबंधित महकमे की महिला अधिकारी कार्रवाई की जगह वसूली से पीड़ितों को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। वायरल वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोबाइल के नाम पर किस तरह से लूट मच रही है। 27 जुलाई को कैबिनेट मंत्री पदस्थ विभाग डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की है। निषाद ने बताया कि मदरसे विभाग और मछुआ समाज के हितों में कई प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जो कि मुख्यमंत्री के समक्ष रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम समाज राजस्व के पोखरों पर राजस्व की हानि हो रही है, क्योंकि पूर्व की सरकार उनके प्रेरित अधिकारियों में मछुआ समाज के अहित में लगान लगाया था, जिससे अभी आधे से ज्यादा राजस्व विभाग के पोखरे खाली हैं या फिर उनका पट्टा नहीं हुआ है। निषाद ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राजस्व विभाग के तालाबों मत्स्य विभाग को किराए पर दिया जाए, ताकि राजस्व हानि से बचा जा सके। वहीं संजय निषाद ने बताया कि मत्स्य विभाग में आधे से ज्यादा कार्मिक रिटायर हो गए हैं। अब ऐसे में बहुत सी भर्तियां रिक्त पड़ी हैं, जिसके चलते विभागीय कामकाज में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आउटसोर्सिंग पर प्रत्येक ग्राम समाज पर मत्स्य मित्र की भर्तियों का भी प्रपोजल मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।